मध्य प्रदेश में मंदसौर एक ऐसा इलाका है जहां पर अफीम का स्मैक का कारोबार बहुत जोर शोर से बहुत बड़े पैमाने पर होता आया है। नशे के सौदागर पिछले 20-20 साल से 30-30 साल से ये काम करते आ रहे हैं। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश में मंदसौर से नशे के इन सौदागरों पर राजेश बादल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में के लिए ये फसल की कटाई का वक्त है, लेकिन ये फसल है अफीम। आम आदमी के दिमाग में अफीम का नाम नशे से जुड़ा है, लेकिन इसका उपयोग दवाइयां बनाने के लिए भी होता है और हर साल अफीम के निर्यात से भारत को 45 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में लगभग 68,000 किसान अफीम की खेती करते हैं। आप कितने साल से अफीम की खेती कर रहे हैं? करीब 20-25 वर्ष हो गया। 45 साल से लगभग। 40% जो इंडिया की अफीम प्रोडक्शन है वो मंदसौर जिले में से होती है। हर साल सरकार किसानों को अफीम की खेती का लाइसेंस देती है। किसान सरकार द्वारा तय कुछ हेक्टेयर जमीन पर ही खेती कर सकते हैं। सरकार ही प्रति हेक्टेयर न्यूनतम पैदावार भी तय करती है और फसल सरकार को ही बेची जा सकती है। फिर भी अफीम का इस्तेमाल खतरनाक नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स बनाने के लिए भी लगातार हो रहा है। पिछले साल इसका 91 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड थी लाइसेंस लेने के लिए, दैट वाज 34 केजीज पर हेक्टेयर। दशहरी में आपको सरकार को कितनी अफीम देना पड़ती है? मतलब 4 किलो तो देना ही पड़ती है, 40 की औसत लेते हैं ये। और वैसे मेरी तो 5 से ऊपर ही गई है अभी तक। और वो जो एक्सेस कल्टीवेशन है वो सरकार को नहीं आती जी। और वो पूरी की पूरी जितनी अफीम उत्तर से पैदा होती है वो ब्लैक मार्केट में जाती थी, जिसका इस्तेमाल अफीम खाने के लिए या स्मैक और हेरोइन के मैन्युफैक्चर के लिए होता था। अक्सर किसान गैर कानूनी तौर पर तयशुदा जमीन से ज्यादा जमीन में अफीम उगा लेते हैं। सरकार द्वारा तय फसल की न्यूनतम मात्रा सरकार को देकर ये बची हुई अफीम ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती है। इस अफीम से स्मैक बनाई जाती है। अनुमान है कि पिछले साल 210 किलो अफीम ब्लैक मार्केट में बेची गई। इस अफीम से लगभग 17 किलो स्मैक बनाई जा सकती है और स्मैक बनाने की तरकीब तथा तकनीक की जानकारी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। गाँव के किसान भी अब इतने होशियार हो गए हैं कि वो स्मैक बना लेते हैं, जंगल में कहीं बैठ के स्मैक बना लेते हैं और लगभग 10 किलो अफीम से 1 किलो स्मैक बन जाती है। सभी रख दोनों में क्या है? 50 रुपए की है। हाँ सर। अभी इसमें से कितना खर्च हो? भीड़ देना पूरा आ जाएगा। ड्रग माफिया के लोग मंदसौर में बनी स्मैक देश विदेश में पहुंचा रहे हैं, लेकिन स्मैक के इस धंधे का पहला असर इसी इलाके पर पड़ा है। पिछले 4 सालों में मंदसौर के गांव-गांव में स्मैक के एडिक्ट तेजी से बढ़े हैं और अनुमान है कि यहां 25,000 लोग स्मैक के आदि हो चुके हैं। ये देता था आप हमारे को 50 रुपए की इतनी सी पुड़िया। 50 रुपए की पुड़िया तो कितने दिन चल जाती है? एक दिन चल जाती है। एक दिन? मैंने वैसे 2,000 रुपए रोज की पी है। 2,000 रुपए रोज की? जी हाँ। तो उस समय इतना पैसा कहाँ से आता था? मेरे पास सोना था, मैंने बेच दिया था। कितना सोना था? 1,62,000 का बेचा था मैंने। वो कहाँ से आया था सोना? मेरे घर का ही था। घर का था जी। सब नशा करने लग गए यहाँ पर मोहल्ले में, बहुत सारे करे नशा। सब कब से? इसे हो गए 4 साल। 4 साल से? हाँ। क्या नशा करते हैं इसमें? जीप बिक गई, तांगा बिक गया, ऑटो बिक गया, मतलब घर की रकम भाव पाए जब गिर गए, मतलब सारी चीज बेच दी मैंने। एक चीज में मतलब घर की नहीं रखी मैंने। और आज ऐसी हालत हो गई कि नहीं मिलती ना तो ऐसे तड़पना पड़ता है, अच्छी तड़पती। मोबाइल नंबर 1 के लिए मैसेज है कि एक मोटरसाइकिल बुलेट बिना नंबर की आ रही है, जिसके पीछे डिक्की है, डिक्की में स्मैक वगैरह हो सकता है। स्मैक की तस्करी को रोकने के लिए खास तौर पर बने नारकोटिक्स विभाग और पुलिस ने स्मैक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। स्मैक के खिलाफ इस अभियान में जगह जगह छापे मारे गए हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हैरानी की बात नहीं कि तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार कई बड़े अफसर भी इसमें शामिल पाए गए हैं। पहले इसमें विभाग के लोग मिली जुली अपनी करके अधिक खेती करवाते थे, उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। तकरीबन कोई 25 लोग अंडर सस्पेंशन हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू हैं। इस साल ओले गिरने से लगभग 250 गांवों में अफीम की फसल को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए शायद इस बार अफीम की पैदावार अधिक न हो पाए और स्मैक बेचने का काम भी कम रहे। लेकिन क्या अगले साल स्मैक का व्यापार फिर पहले की तरह चल पड़ेगा? नारकोटिक्स विभाग की सतर्कता बढ़ी है, लेकिन फिर भी ये बात पूरी तरह नहीं कही जा सकती कि मंदसौर जिले से स्मैक का कारोबार करने वाला ड्रग माफिया अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
मेडिसिंस बनाने के लिए अफीम की खेती का औचित्य तो समझ में आता है, लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो चिंता होनी स्वाभाविक है। मंदसौर जिले के गांव-गांव में स्मैक पीने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस तथ्य से इनकार नहीं करता और शायद इसीलिए अफीम की तस्करी रोकने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा गया। लेकिन सवाल यह है कि जब एक हेक्टर क्षेत्र से किसान 60 किलोग्राम अफीम पैदा करता है तो वह सरकारी खजाने में सिर्फ 37 किलोग्राम अफीम ही क्यों देता है। इस सवाल के साथ अफीम के खेतों से परख के लिए मैं राजेश बादल। भारतीय